एक बार गौतम बुद्ध के पास एक काली रंग की लड़की आई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं काली हूँ, मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए, मेरा चेहरा इतना गंदा है, मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म लगता है। ये सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा, जाइए एक ऐसे इंसान को पकड़ लाइए जिसके लाइफ में कोई दुख ना हो, वो हमेशा खुश हो। फिर वो लड़की किसान के पास गई जहाँ वो काम किया करती थी और बोली, मालिक कल भगवान बुद्ध के पास जाना है क्योंकि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को मिलाना है जो हमेशा खुश हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। तब किसान बोलते हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं जा सकता। लड़की बोली, मालिक लेकिन आपके पास जमीन है, पैसा है, खाना है, फिर आप कैसे दुखी हैं। किसान ने उत्तर दिया, लेकिन ये सब जमींदार ले जाता है, वो बिना मेहनत के हमसे ज़्यादा कमा लेता है, वो हमसे ज़्यादा खुश है। फिर वो लड़की जमींदार के पास जाके बोलती है, मालिक आप मेरे साथ चलिए, मुझे भगवान बुद्ध से ऐसे इंसान को मिलाना है जो दुखी ना हो। जमींदार सर पकड़ कर बोला, मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मुझे हमेशा चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का डर लगा रहता है, मैं तो टेंशन के कारण रात को सो भी नहीं पाता। तुम राजा के मंत्री के पास जाओ जो राजपाट का सुख भोग रहे हैं। जब लड़की मंत्री के पास जाती है तो वहाँ भी यही उत्तर मिलता है, मुझे जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है, 365 दिन काम करना पड़ता है, राजा जो बोले वो करना पड़ता है, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलता, ये कोई जिंदगी है। फिर लड़की सोचती है, इसका मतलब कि राजा सबसे सुखी आदमी है। फिर वो राजा के पास गई, राजा का भी वही हाल, बोले मेरे दुश्मन ही मेरे घर में ही रहते हैं, कौन कब मुझे मार दे ये पता नहीं, मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ, मैं तो कहीं अकेला जा भी नहीं पाता। ये सुन लड़की फिर से भगवान बुद्ध के पास जाकर सारी कहानी सुनाती है। फिर भगवान बोलते हैं, यही लेसन है कि आपको जो सुख मिलेगा वो आपके अंदर ही है, खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें।